प्रहलाद जोशी क्या कह रहे हैं सबसे पहले सुनते हैं। सेलिब्रेट करना है और सेलिब्रेट करते हुए मुलाकात करना, बैठना, आइडियाज एक्सचेंज करना, ये सब के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कॉल किया है। बहुत उत्साह से और विश्वास से ये एनडीए आगे बढ़ाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कॉल दिया है। और अपोजिशन का जो व्यवहार है उसके बारे में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने टिप्पणी की और उन्होंने कहा उनके व्यवहार से ये दिखाई पड़ता है कि वो परमानेंटली आने वाला कई वर्षों तक अपोजिशन में रहने का डिसाइड किया है। तो इसीलिए दुनिया भी सोचते हैं ये सेकेंड टर्म का लास्ट साल है, तो भी दुनिया भी सोचते हैं और लोग भी, भारत के लोग भी सोचते हैं कि ये शुरुआत है। तो इसीलिए दुनिया भी सरकार के साथ, इस नेतृत्व के साथ आगे भी व्यवहार इन्हीं के लोगों के साथ करना है, ये भी दुनिया सोच रही है। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण एग्रीमेंट और महत्वपूर्ण बातचीत और विश्व स्तर में भारत का मान्यता बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये हमको भारत के लिए बहुत प्रशंसनीय बात है कि द वर्ल्ड इज ट्रस्टिंग अस, दुनिया हमारे ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, देश के लोग ट्रस्ट कर रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा ये भोर का समय है, दिस इज द टाइम ऑफ डॉन, चेतना का समय है और 75th ईयर जो अभी पूरा होने जा रहा है इसमें देश बदल चुका है। जब हम सत्ता संभाले थे 2014 में, इकोनॉमी में हम 10वीं नंबर पे थे और सेकेंड टर्म पहुंचते तक हम 5वीं स्थान पर पहुंच गए और प्रधानमंत्री जी ने बहुत विश्वास के साथ ये कहा कि तीसरी टर्म पर हम तीसरी नंबर पे इकोनॉमी पर हम पहुंच रहे हैं। विल बी द थर्ड रैंक इन द वर्ल्ड इकोनॉमी इन आवर थर्ड टर्म। और ये भारत के नागरिक जो हमको बल दे रहा है, स्ट्रेंथ दे रहा है, इसके कारण हो रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा डेस्परेट और डायरेक्शनलेस, बिना दिशा और हताश विपक्ष के कारण तो हमको और सतर्क रहना है, ये भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत इम्पोर्टेंट ये कहा 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनाना चाहिए। ये सब हमारा जिम्मेदारी है और यही सपना लेके हमको चलना है, विद दिस ड्रीम एंड विथ अ डिसीजन एंड विथ अ रेजोल्यूशन वी शुड मूव अहेड। हम यही सोचना चाहिए, यही सपना देखना चाहिए, यही एक्शन करना चाहिए कि 2047 में भारत एक विकसित राज्य, विकसित देश बनना चाहिए। यही सपना लेके वी शुड लीव विथ दिस ड्रीम एंड वी शुड पुट ऑल एफर्ट्स, ऑल आउट एफर्ट्स फॉर दिस। 15 अगस्त के लिए हर घर तिरंगा इस बार भी करना चाहिए और हर विधानसभा क्षेत्र में इसके लिए कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कॉल किया है, तो उसका डिटेल बाद में आपको दिया जाएगा। और
प्रधानमंत्री जी ने सभी एमपीओं से भी अपेक्षा की कि हर घर तिरंगा और उसके साथ ही साथ हर विधानसभा में जो कार्यक्रम करना है उसके साथ ही साथ युवाओं का जो आशा है, देशवासियों का जो आशा है, अपेक्षा है, उसका पूरा करने के लिए हम हर संभव प्रयास करना, इसके लिए इन्होंने कुछ कार्यक्रम भी देने वाला है और उसका भी डिटेल आपको बाद में दिया जाएगा। इंडिया के लेके उन्होंने जो कहा है उसमें तो इन लोगों ने अभी इंडिया उनको याद आया, प्रधानमंत्री ने जो कहा है उसमें यही है कि तो उन्होंने ईस्ट इंडिया और कई इसमें कहा है, बाद में डिटेल आपको दिया जाएगा। ऑपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहा है, ऑपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने जा रहा है, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की बात है, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने जा रहा है। जब भी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाएगा, इनका तो एक पहले तो हमको जानकारी नहीं है, मैं इसके लिए रिएक्शन नहीं देना चाहता हूं, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि फर्स्ट टर्म के लास्ट में जो फर्स्ट टर्म का जो हमारा शायद 2018-19 में तो उन्होंने नो कॉन्फिडेंस लाया था, हमारा जो सीट था 282, भारतीय जनता पार्टी 303 से फिर से आया, इस बार भी वो लाने दो, हम 350 से ऊपर जाएंगे। सर, डीके कुमार कह रहे हैं कि उनके गवर्नमेंट को टॉपल करने का प्लान है सर। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी जो बता रहे थे आज हुई बैठक के बारे में, और बैठक में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के व्यवहार को लेकर भी बात कही और ये भी कहा कि डेस्परेट और डायरेक्शनलेस ऑपोजिशन से अलर्ट रहने की जरूरत है, यानी सतर्क रहने की जरूरत है, और विपक्ष के इसी व्यवहार से ये पता चलता है कि वो कई वर्षों तक विपक्ष में ही रहने वाला है और ये वो डिसाइड भी कर चुका है। हमारे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी आमोद राय हमें ज्वाइन कर चुके हैं, कुमार विक्रांत हमें ज्वाइन कर चुके हैं और आनंद प्रकाश पांडे से भी इस बारे में हम करेंगे बात। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी आमोद जी, क्योंकि जिस तरीके से नाम को लेकर लगातार चर्चा हो रही है इंडिया अलायंस को लेकर, ये सबसे बड़ा हमला प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया ये कहते हुए कि किस तरीके से देश विरोधी संगठनों के नाम में भी इसी शब्द का इस्तेमाल होता है और यही विपक्ष ने भी किया। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से विपक्ष ने इंडिया अलायंस का नाम रखा था, जिस तरह से इंडिया अलायंस ने अपने 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 गठबंधन का नाम रखा था इंडिया, और जिस तरह से शोर उसको लेकर हुआ और जिस कदर उसको लेकर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में उसके खिलाफ एक FIR दर्ज कराया गया, बीजेपी की तरफ से तमाम करारा हमला भी किया गया, लेकिन आज जिस प्रकार प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे इंडिया शब्द को इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन मुजाहिदीन या उसके अलावा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इन तमाम विषयों को उन्होंने जिस तरह से जोड़ा है, ये अपने आप में प्रधानमंत्री दो कदम आगे बढ़कर अटैकिंग मोड में आज विपक्ष के इस गठबंधन पर थे, और उनका सीधा सा कहना है कि ये एक भटका हुआ विपक्ष है, दिशाहीन विपक्ष है, और मैंने ऐसा कभी विपक्ष नहीं देखा था। निश्चित तौर पर जिस तरह से पार्लियामेंट की गतिविधि नहीं चल पा रही है, कार्रवाई नहीं चल पा रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं उनके मन में क्षोभ है, और जिस बात को लेकर बतंगड़ बनाया जा रहा है, जो आरोप लगा रही है बीजेपी बार बार कि इसे बतंगड़ बनाया जा रहा है मणिपुर को, मणिपुर निश्चित तौर पर एक ज्वलंत मुद्दा था और ज्वलंत मुद्दा है, लेकिन इसका समाधान जो विपक्ष चाहता है वो सदन में चर्चा है, और चर्चा से फिर विपक्ष क्यों भागता है अगर अब खुद ही मांग करता है तो। प्रधानमंत्री अगर स्टेटमेंट नहीं देते हैं तो उसके उनके जगह पर गृह मंत्री स्टेटमेंट, लेकिन इस बीच मुझे हकीकत यही है कि सदन की कार्रवाई नहीं हो पा रही है, चर्चा भी नहीं हो पा रही किसी मुद्दे पर, और साथ ही सदन स्थगित भी हो जा रही है, इस हंगामे की भेंट भी चढ़ रही है।